इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन एरिया, ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन एरिया। High biochemicals chemical and irrigation are used in this farming. To get higher production। All right students, आपने देखा intensive farming, this type of farming is practiced on large population area। बहुत population होती है जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है और जमीन कम होती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये खेती की जाती है बहुत ही इंटेंशन के साथ में, बहुत ही इंटेंशन देके, ध्यान देके ये खेती की जाती है, जिसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। और इसमें इंटेंशन जो दिया जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए न्यू बायोकेमिकल्स, हाई क्वालिटी के बायोकेमिकल्स यूज होते हैं। इरिगेशन मीन्स अच्छी सिंचाई व्यवस्था यूज होती है, जिससे कि छोटी सी जमीन पे ही हमें ज्यादा ग्रोथ प्राप्त हो सके, तो प्रोडक्शन ज्यादा हमें प्राप्त हो, है ना। और ये इसलिए फार्मिंग टू गेट हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन के लिए की जाती है। और इसलिए किस लिए होता है बच्चों ये, मतलब हायर प्रोडक्शन किस लिए चाहिए होता है बहुत छोटी सी जमीन पे और ज्यादा पॉपुलेशन को, तो राइट ये स्थिति उत्पन्न होती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से मीन्स विरासत का अधिकार। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, मीन्स विरासत का अधिकार। मान लीजिए किसी व्यक्ति पे इतना पैच ऑफ लैंड है और उसके चार बेटे हैं और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है, तो उसकी विरासत में उसे उस अकेले के पास, तो उसके पास ये जमीन थी जो कि वो अपना खेती करके निर्वाह करता था, बट उसकी वही जमीन जो है आगे जाके बट गई, चार बेटों में चार लैंड उसकी बन गई, तो इन सब का जो जीवन निर्वाह का साधन है सिर्फ खेती है। तो अब छोटी सी जमीन एक एक परिवार के हिस्से में आई, तो अब परिवार चार हो गए और जमीन जो है चार हिस्सों में बट गई, तो वो जमीन छोटी हो गई, तो उसकी प्रोडक्टिविटी की ज्यादा जरूरत पड़ी और ऐसे ही आगे जाके ये डिवाइडेड हो गई। तो इस पर्पस से इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है कि छोटी सी जमीन पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। This type of farming is practiced on
अ लार्ज एरिया, वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कमर्शियल फार्मिंग में हमने देखा कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज एरिया में, बहुत बड़े एरिया में यह खेती की जाती है और इसका मेन पर्पस होता है सिर्फ अर्निंग करना. मेन पर्पस ऑफ दिस फार्मिंग टू ट्रेड एंड अर्न मनी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सिर्फ कमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए ये फार्मिंग की जाती है और इसका पर्पस सिर्फ जो खेती होगा कि उसको बेचना होता है. जैसे इसके लिए हाई क्वालिटी के जो है खाद, प्रैक्टिस, इंटीसाइड्स एंड जो हाई यील्ड्स सीड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, HYV बोलेंगे जिन्हें. मीन्स इसमें सिंचाई के साधन बहुत हाई लेवल पे यूज किए जाते हैं और जो खेती के लिए जो भी जरूरी केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यूज किए जाते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़े एरिया में की जाती है. HYV सीड्स मीन्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक हाई जो वैरायटीज होती है खेती करने की, उसके सीड्स जो होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं और न्यू केमिकल्स यूज होते हैं, केमिकल्स हाई केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं जिससे कि अच्छी प्रोडक्शन हो और अच्छी उनका जो है कॉमर्स हो सके. और इसमें एक स्पेशल कोई फसल की बोई जाती है और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग कमर्शियल फार्मिंग की खासियत होती है, उनकी पहचान होती है एरियाज की. इसमें जैसे बनाना, कॉफी, टी, शुगर केन आदि फसलें जो है बोई जाती हैं और उनका व्यापार किया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन सब चीजों का व्यापार किया जाता है. आपने देखा आज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. तो बच्चे मैं इनके आपको नोट्स भेज दूंगी और आपको नोट्स जो है तैयार करके उन पे होमवर्क करके व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं. इनका आपको तभी बेनिफिट मिलेगा, तब आप साथ में लर्न करते जाएंगे. ओके.